आप देख रहे हैं समीर रसोई घर और आज अफ्तारी में मैं बना रही हूँ बहुत ही इजी क्रीमी चाट। बहुत कम फ्रूट से भी आप ये चाट बना सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो मेरे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें सबसे पहले मिलता रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ दो अदद सेब है, इन्हें मैंने छोटे क्यूब्स में काट लिया है। हाफ छोटा मेलन था यानी खरबूजा, इसे मैंने छोटे क्यूब्स में काट लिया है। 5 से 6 केले थे, इन्हें मैंने काट लिया है। इसके अलावा यहाँ पर मेरे पास स्ट्रॉबेरीज हैं, ये मेरी फ्रोजन स्ट्रॉबेरीज हैं, 10-12 स्ट्रॉबेरीज हैं, इन्हें मैंने कट कर लिया है। आप चाहें इसके अंदर पाइनएप्पल भी डाल सकते हैं, आड़ू डाल सकते हैं। आड़ू आपको अच्छे मीठे मिल जाएँ तो आप वो डाल दीजिएगा। मुझे जो मिले थे वो थोड़ा सा खट्टे थे इसलिए मैंने वो नहीं डाले। ये 4 फ्रूट क्योंकि इजीली अवेलेबल है मार्केट में तो मैं इन्हीं से बना रही हूँ। यहाँ पर मेरे पास 2 टेबलस्पून मायोनीज है, 2 टेबलस्पून लेवल में शुगर है, ये मैंने पीस ली है। 2 टेबलस्पून जो ली है वो बिल्कुल लेवल ली है, भर के नहीं ली। क्रीम इसके अंदर जाएगी एज रिक्वायर्ड। यहाँ पर मैं तकरीबन इसके अंदर 1/2 कप क्रीम लाजमी चली जाएगी। 3 अदर खजूरें थी, इन्हें मैंने चॉप कर लिया है। थोड़े से बादाम है, 7-8 बादाम ले लिए, इन्हें चॉप कर लिया है। 9-10 किशमिश के दाने हैं और रेड सिरप है। मैंने रूह अफ़ज़ा लिया है, आप जामिश्री भी ले सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यह एक प्लेटर मैंने ले लिया है, इसके अंदर हम डाल देंगे तमाम फ्रूट्स, सेब, केले, खरबूजा, अच्छे तरीके से कर लेंगे। स्ट्रॉबेरी में अभी नहीं डालूंगी, ये स्ट्रॉबेरीज जो हैं वो मैं आखिर में डालूंगी क्योंकि अभी डालें तो ये क्रीम वाइट की बजाय पिंकिश हो जाएगी। तो ये स्ट्रॉबेरीज में एंड पे यूज़ करूँगी। ठीक है, इसको हम एक साइड पर रख देते हैं। यहाँ पे अलग बॉल ले लिया है, इसके अंदर हम डाल देंगे मायोनीज 2 टेबलस्पून भर के, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। शुगर मैंने पीस इसलिए ली थी ताकि ईजिली ये मिक्स हो जाए, और क्रीम तकरीबन 1/2 कप तो आराम से चली जाएगी, लेकिन अगर आपको ज़्यादा कॉन्शियस हैं कि क्रीम ज़्यादा ना हो तो आप पहले 1/4 कप डाल दीजिएगा क्योंकि क्रीम तो हम बाद में भी मिक्स कर सकते हैं। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ये अच्छे तरीके से मिक्स हो गई है, ये क्रीम का मिक्सचर हम डालेंगे इसके अंदर और इसे अच्छे तरीके से करेंगे मिक्स। और ये जो साथ में खजूर थी वो भी मैं डाल दूंगी, कुछ मैं ऊपर गार्निश के लिए रख दूंगी। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, क्रीम तमाम फ्रूट्स के ऊपर कोट हो जाए। ये अच्छे तरीके से मिक्स हो गई है, इसे मैं थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दूंगी ताकि ये चिल्ड हो जाए, उसके बाद हम इसे सर्व करेंगे। जी, चाट हमारी ठंडी हो चुकी है, इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी हम सिर्फ ऊपर से डेकोरेशन हम डालेंगे, अंदर हमने मिक्स कर दी तो तमाम क्रीम का कलर जो है वो खराब हो जाएगा और वो व्हाइट की बजाय पिंकिश हो जाएगी। खजूर, थोड़े से बादाम, किशमिश भी आपके चॉइस के ऊपर है, नहीं है आप मत डालें। अब हमने इसके ऊपर डालना है ये रेड सिरप, ये हल्का सा हम इस तरह ड्रिजल करेंगे। बेहतरीन सी क्रीम चाट हमारी तैयार हो चुकी है। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी, जरूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मेरे चैनल से मेरे रसोई घर को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा ताकि आपको नई वीडियोस और रेसिपीज मिलती रहें। अपनी दुआ मुझे याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, खुदा हाफिज़।